आज के समय में अगर आप एक टीचर हैं तो जितना जरूरी आपके लिए ऑफलाइन प्रेजेंस बनाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपके लिए अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट कर पाए। अब चाहे आप लाइव क्लासेस लेते हो या फिर यूट्यूब पर पढ़ाते हो, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपके लिए एक अच्छे कैमरे में इन्वेस्ट करना। अब आप अपने पर्सपेक्टिव से ही समझिए कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो क्या आप उस वीडियो को ज़्यादा देर तक देखेंगे? नहीं देखेंगे। बस यही चीज़ आप समझिए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। भले ही आपने कितने भी अच्छे तरीके से अपने वीडियो को क्रिएट किया है, लेकिन अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है तो फिर आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो मेहनत है वो तो वेस्ट जा ही रही है, तो कोशिश करें जितनी मेहनत आप वीडियोस को क्रिएट करने में लगा रहे हैं थोड़ा ध्यान आप वीडियो की क्वालिटी पर भी दीजिए, जिससे कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो इन्हांस हो सके और जो आपके वीडियोज़ हैं उनकी रीच बढ़ सके। तो यहाँ आपको एक अच्छे कैमरे में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, साथ के साथ आप हाई क्वालिटी में लाइव जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। फोन कैमरा होता है, दूसरा होता है DSLR और तीसरा हमारा होता है PTZ कैमरा। अब इसे हम कैटेगरी वाइज समझते हैं। पहली चीज़ आ जाती है स्टोरेज। अब अगर आप नॉर्मल वीडियोस बना रहे हैं तो कोई 2-5 मिनट के वीडियोस बन जाते हैं, लेकिन अगर वहीं आप टीचिंग वीडियोस बना रहे हैं तो इनकी जो ड्यूरेशन होती है कई बार आधे घंटे से लेकर 1 घंटे या फिर इससे भी ज़्यादा की होती है, और अगर आप लाइव क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो वो भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक फ़ोन कैमरे को यूज़ कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको इतनी स्टोरेज मिलती है? क्या आप 1-1, 2-2 घंटे के वीडियोज़ रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में स्टोर कर सकते हैं? नहीं, मेमोरी फुल हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप DSLR कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी अलग झंझट होते हैं। आपको ग्राफिक कार्ड लेना होता है, मेमोरी कार्ड चाहिए पड़ता है, फिर लेंसेस चाहिए होते हैं, तो DSLR के साथ भी आपको बहुत सारे और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो जो मेन बेस प्राइस होती है उससे भी ज़्यादा आपको पैसे उसमें लगाने पड़ते हैं, तो वो आपको और भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और इन दोनों के बीच में आ जाता है आपका PTZ कैमरा, जो कि एक हाई एंड कैमरा ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको कोई भी एडिशनल कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करना है और दूसरा इसे आपको चार्जिंग प्लग से लगाना है और फिर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, थोड़ी बहुत जो बेसिक सेटिंग होती है वो आपको करना है। इसके बाद आप इस कैमरे को बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी HD क्वालिटी में वीडियोस को क्रिएट भी कर सकते हैं और लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि अगर आप लंबे वीडियोस शूट कर रहे हैं तो जो आपका फ़ोन कैमरा है या फिर DSLR है, तो ये जो कैमरे होते हैं बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, बहुत देर तक आप इन पर काम नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम PTZ कैमरे की बात करें तो आप इस पर घंटों भी काम करेंगे, इसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कितनी भी देर तक इन पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी हीट अप नहीं होते हैं। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं जब हम टीचिंग पर्सपेक्टिव से कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। अब किस तरह से इसे कनेक्ट करना है, तो 2 केबल आपको सिर्फ यहाँ पर लगाना है। एक है आपकी चार्जिंग केबल, जिसे आप कनेक्ट कर देंगे स्विच बोर्ड में, और दूसरा ये जो केबल है इसे आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसका जो दूसरा सिरा है वो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट कर लेंगे। अब इस कैमरे से रिकॉर्डिंग कैसे करना है, कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो यदि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप OBS स्टूडियो यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसमें इस कैमरे को एज अ वीडियो कैप्चर डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप Zoom पर इसे यूज़ कर सकते हैं, गूगल मीट में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप वेब कैमरे का यूज़ करते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वेबकैम की जगह आप इस कैमरे को यूज़ करेंगे। बस फर्क इतना रहेगा, जो वेबकैम की क्वालिटी है और इसकी क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब अगर आप इस कैमरे को लेने का सोच रहे हैं तो एक चीज़ मैं पहले ही आपको क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर, कि आप इस कैमरे को कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में, तो वो इस कैमरे को सपोर्ट कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो तो आपने 4K क्वालिटी में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन जो आपका सिस्टम है वो ही इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसकी भी एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप कंप्यूटर असेंबल करा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप उसमें करवा सकते हैं, और ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो एक अच्छे कैमरे को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जो आपका सिस्टम है वो भी उसी लेवल का होना चाहिए, जिससे कि जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो पाए और साथ के साथ आप
उसी हाई क्वालिटी में लाइव भी जा सके। तो आई होप ये जो वीडियो था इससे आपको कैमरे से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ और कंसर्न्स हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके, एंड आई विल मेक श्योर कि आने वाले वीडियोस में हम इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वीडियोस में कवर कर पाएं। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।